स्टेनो 2020 की फाइनल अपडेटेड वैकेंसी आप सभी की आ चुकी हैं। ऐसे में आप सभी फ्रेंड्स रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हैं। तो जैसा अभी तक देखा गया है कि जिस दिन फाइनल वैकेंसी आप सभी की आती हैं उस दिन या उसके नेक्स्ट डे हर हाल में रिजल्ट जो है वो आप सभी का आ जाता है। ऐसे में कई बार एक या दो दिन का डिले भी रहता है, लेकिन जिस हिसाब से अगर आज फाइनल अपडेटेड वैकेंसी आई है तो मे भी अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि भाई एक दो दिन या आपका हफ्ते भर में आपका जो रिजल्ट है वो हो सकता है कि आपका आ जाए। क्योंकि अभी एसएससी जितने भी काम जो कर रही है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से कर रही है, तो हो सकता है, क्योंकि कारण क्या है कि अभी सारी चीज़ें आप सभी के प्रिपेयर हो चुकी होंगी, अभी सारी प्रेफरेंस भी आपकी ऑनलाइन बढ़ती हैं, तो अभी जो इनका जो काम पहले ऑफलाइन रहता था तो वो अब क्या हो गया, वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जैसे ही आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको डिपार्टमेंट भी अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इनको अब ज़्यादा कोई भी वर्क जिस हिसाब से पहले ऑफलाइन के तरीके करना होता है वो करना नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी आपका जो है वो आपका इस हफ्ते में देखने को मिल जाए, ऐसा कंफर्म नहीं है, बट जिस हिसाब से इन्होंने फाइनल अपडेटेड वैकेंसी निकाली है उस अकॉर्डिंगली जो है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक का यही है कि ये फाइनल अपडेटेड वैकेंसी के बाद ही आता है। लेकिन ऐसे में क्या आगे होता है अभी कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फाइनल अपडेटेड वैकेंसी में इन्होंने बहुत ड्रास्टिक चेंजेस किए हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है। तो मेरा सिर्फ यही कंसर्न है कि जो भी ये फाइनल अपडेटेड वैकेंसी है अगर ये डीवी के पहले दे दे तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब लेकिन अभी क्या, अभी तो डीवी आपके बंद हो गए हैं, अब फाइनल अपडेटेड वैकेंसी जो है वो कहीं ना कहीं जब आपकी पोस्ट प्रेफरेंस भराई जाएगी स्किल टेस्ट में, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट ये सोच रहे हो कि भाई अब पोस्ट प्रेफरेंस कब भराई जाएगी, तो वो आपकी स्किल टेस्ट में भराई जाएगी, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनल अपडेटेड वैकेंसी हो सकती है कि उस टाइम पे अपडेट हो जाए। लेकिन इससे बहुत सारी स्टूडेंट्स के जो होम पोस्टिंग या बहुत से ऐसी चीज़ों में आपके चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि वैकेंसी कई डिपार्टमेंट में आपकी कम भी हो जाती हैं। तो यार ये एसएससी को पोस्ट प्रेफरेंस भराने से पहले करना चाहिए, मेरा सिर्फ यही एक एसएससी से रिक्वेस्ट रहेगी, और कहीं ना कहीं इस चीज़ों में कहीं ना कहीं उनको सुधार भी आगे लाना पड़ेगा। क्योंकि यार इससे मेरे हिसाब से कि यार आजकल आरटीआई से वैकेंसी वगैरह निकल आती है, उनकी पोजीशन निकल आती है, लेकिन कहीं पर अगर वैकेंसी कम होती है और आपके नंबर अच्छे आते हैं चुन लेते हो, और हो सकता है कि आपको वहाँ पे वैकेंसी एकदम से ख़त्म हो जाए और फिर ना मिले, तो यार उस टाइम में बहुत बड़ा दुख होता है कि इतना नंबर लाने के बाद भी हमें मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली। तो ये थोड़ा सा इनको कहीं के सुधार करना पड़ेगा। बाकी तो आप सभी क्या मैं बोलूँ, अब क्या 2020 में तो इन्होंने बहुत कुछ चेंज करके रख दिया है।